एक किलो पालक लिए, इसको हम पानी में बॉईल करेंगे। इसके अंदर 3 से 4 अदद हरी मिर्च डालेंगे, आधी चमची हम हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे। एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। अब इसको 20 से 25 मिनट बॉयल करने के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद एनी में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं बनाऊंगी मज़ेदार पालक पनीर। सबसे पहले हमें चाहिए पालक को हमने बॉयल करके ग्राइंड कर लिया है। 4 अदद टमाटर, इसको भी हमने ग्राइंड कर दिया है। 2 अदद प्याज, इसको भी ग्राइंड कर लिया है। 2 चम्मच पीसी हुई हरी मिर्च और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। सबसे पहले पैन में हमने 1/2 कप ऑयल लिया है, इसमें 1 चम्मच डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा, 1 पत्ता तेज़पात, 4 अदद लौंग और 1 टुकड़ा दालचीनी का। प्याज 5 अदद छोटी इलायची, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। लहसुन अदरक गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें पीसी हुई प्याज डालेंगे। टमाटर पेस्ट डालेंगे, हरी मिर्च 1 टीस्पून, इसमें नमक डालेंगे, आधी चमची हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे। दस मिनट तक इसको पकाएंगे, जब तक प्याज और टमाटर का कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसमें पालक डालेंगे। और इसको अच्छी तरह से भुनेंगे। पालक को हमने अच्छी तरह से भून लिया है, ये बिल्कुल पक चुकी है। अब इसको 5 मिनट के लिए हल्की आग पर दम पर रखेंगे। पालक को हमने बाहर में उतार दिया है, अब पनीर इसके ऊपर रखेंगे। इसमें देसी घी या मक्खन डाल सकते हैं इसके ऊपर। अब हमारा मज़ेदार पालक पनीर तैयार है। मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।